Hi, good evening everyone. Hi, this is Sanjeev Arora. Again, I have come with my new video. जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ. So, दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा. आज जो टॉपिक मेरे पास है वो है वीकनेस. वीकनेस दोस्तों, मैं बॉडी की वीकनेस की बात नहीं कर रहा. कहीं आप सोच रहे हो कि बॉडी की वीकनेस की बात कर रहा हूं. नो, मैं आपसे बात करूंगा कि जो ये वीकनेस होती है, जब ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो इसका हमको कैसे रिप्लाई करना है. और दूसरी बात, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा कि व्हाट इज वीकनेस, वीकनेस होती क्या है और हाउ इट इंपैक्ट्स ऑन आवर जॉब, ये हमारी जॉब पे किस तरीके का प्रभाव डालती है. माय डियर, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि ये पूछी क्यों जाती है. ये इसलिए पूछी जाती है दोस्तों क्योंकि सामने वाला जो है इंटरव्यूअर, वो जानना चाहता है कि जो इसकी वीकनेस है या जो इसके अंदर वीकनेसेस हैं, कहीं वो वीकनेसेस हमारी कंपनी के जॉब प्रोफाइल पे कुछ बैड इंपैक्ट तो नहीं डालेगी. तो इसलिए हमको जो इसका आंसर करना है वो बहुत स्मार्टनेस के साथ करना है दोस्तों. मतलब हमारी वीकनेस जो हमें बतानी है, वो वीकनेस होते हुए भी ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ है. और दूसरा, वो वीकनेस हमारी जॉब पर किसी भी प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालनी चाहिए. अगर आप इस एटीट्यूड के साथ अपनी वीकनेस बताएंगे तो आई एम श्योर यू कैन लीव द वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. चलिए, अब कुछ वीकनेसेस के बारे में मैं आपसे बात करता हूं. उससे पहले, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, हाउ दिस क्वेश्चन will be asked by interviewer in interview. पूछने के different method होते हैं, different types होते हैं. सबसे पहले वो आपसे इस question को इस way में पूछ सकता है, what are your weaknesses? आपकी weaknesses क्या हैं? हो सकता है वो आपको इस way में पूछ ले, tell me your weaknesses. या हो सकता है वो आपसे पूछ ले, tell me your two weaknesses. या वो थोड़ा और घुमा के आपसे पूछे, tell me your demerits. या हो सकता है वो आपसे पूछ ले, tell me your negative aspects. My dear, बतानी हमको जरूर है. क्यों? अगर हम इसको बताएंगे, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर आप नहीं भी बताते और वो पूछ ले, तो कम से कम हमको इसके लिए mentally prepared तो होना चाहिए ना. मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उसी तरीके से आज मैं अपनी इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान को अपनी वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए. क्योंकि पता नहीं सामने वाले का वो किस मूड में और वो क्या आपसे क्वेश्चन कर ले. और ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, क्योंकि वो जानना चाहता है. कई बार पूछ भी लेता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है. कई बार वो हो सकता है वो आपसे इसके बारे में कोई जिक्र ही ना करे, कोई डिस्कशन ही ना करे. बट हम लोगों का तो एक ड्यूटी है ना कि अगर हम जा रहे हैं तो अपना होमवर्क पूरा करके जाए, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जान के जाए, अपनी वीकनेसेस के बारे में जान के जाए. तो आज इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया, इसलिए आज मैं आपके साथ वीकनेसेस को डिस्कस कर रहा हूं. चलिए देखते हैं कुछ वीकनेसेस दोस्तों. सबसे पहले जो हमारी वीकनेस है, हम कह सकते हैं ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली. दोस्तों, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहीं आप कहने लगे कि मैं तो नोना मोना छोना पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं. यहां पे नोना मोना छोना बाबू की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां पे एक ऐसी वीकनेस की बात हो रही है जिसमें आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं. अब देखा जाए तो कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार ये बहुत बुरा भी होता है, लेकिन इसका जॉब पर तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा ना. ये भी देख लीजिएगा, कहीं आप किसी जॉब में इसको जाके बता दें और उस जॉब पर इसका बहुत, आप सपोज आप किसी डिफेंस की जॉब में जा रहे हैं, या हो सकता है आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर आपको उसको हाइड रखना है, और वहाँ पर अगर आप ये कह देते हैं ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, तो ये वीकनेस जॉब प्रोफाइल पे डेफिनेटली बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, जो कि हमें नहीं बतानी. ये वीकनेस हम कहीं और बता सकते हैं, जैसे किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहे हैं और हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर एक बार को हम वहाँ पर कह दें ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, तो कई बार ये चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप डिफेंस की जॉब में जा रहे हैं, पुलिस की जॉब में जा रहे हैं, या किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस वीकनेस को बिल्कुल मत बोलिएगा. चलिए नेक्स्ट वीकनेस पे आते हैं, कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प. अब देखिए, देखा जाए आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किसी को हेल्प के लिए मना नहीं करते, तो ये तो अच्छी बात है ना. यानी आपका नेचर क्या हो गया, हेल्पिंग नेचर हो गया, एक अच्छा नेचर हो गया. यानी आप कोऑपरेटिव इंसान हैं,
तो ये आपकी वीकनेस हो तो ये भी क्या नजर आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ये एक अच्छा इंपैक्ट डाल रही है। तो ये वीकनेस होते हुए भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है, तो आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉब पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकती है। उसके बाद टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, कई बार डिसीजन अच्छे भी होते हैं, कई बार जल्दी लेना गलत भी होता है। तो वैसे तो मेरा ये कहना है कि डिसीजन जब भी लीजिए सोच समझ के लीजिए, लेकिन एक वीकनेस है, देख लीजिएगा, जॉब पे बैड इंप्रेशन ना डालें। टॉकेटिव, अगर आप टॉकेटिव बोलते हैं तो देखा जाए तो टॉकेटिव एक मार्केटिंग पर्सन के लिए होना बहुत अच्छा है। अगर आप कह देते हैं कि आई एम टॉकेटिव तो ये वीकनेस है, लेकिन मार्केटिंग प्रोफेशन में देखा जाए तो ये वीकनेस होते हुए भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल लिया। तो हमको ये कोशिश क्या करना है कि वीकनेस होते हुए भी जॉब पर एक अच्छा इंपैक्ट डाले, नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। उसके बाद लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम कहीं पर भी पहली बार किसी कंपनी में जाते हैं तो हम फ्रेशर होते हैं, और यदि हम कह देते हैं सर आई हैव लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आपने उसको साफ साफ बता दिया कि भाई देखो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस में आप यही तो कहना चाहते हैं, तो ये भी एक जॉब पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी वीकनेसेस हैं, मल्टीटास्किंग भी एक वीकनेस ही मानी जाती है। उसके बाद शाय होना कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जॉब पर इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए इसका। उसके बाद इमोशनल भी वैसे देखा जाए तो एक वीकनेस ही होती है, लेकिन कई बार अच्छी भी होती है। उसी की तरीके से देखा जाए तो टेक द थिंग्स सीरियसली, अगर आप किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेना भी चाहिए लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को सीरियसली, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। नोना मोना छोना बाबू की बात नहीं कर रहा, उनको सीरियस नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशन के रिलेट जो आसपास चीज़ें हैं या आपकी जो लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं उनके लिए ठीक है सीरियसली होना, कहीं आप कहीं और वे में इसको ले जा रहे हो। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं जिनको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, मैं फिर बोलूँगा जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए, उन वीकनेसेस का आपकी जॉब पर दोस्तों कहीं से भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल के दिखा देता हूँ, सम वीकनेसेस वी हैव हियर, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, नंबर वन, कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प, टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, उसके बाद टॉकेटिव, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मल्टीटास्किंग, शाय पर्सन, इमोशनल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने इसलिए बोला, ये आखिरी नहीं है, और भी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं दोस्तों। तो टेक द थिंग्स सीरियसली, तो ये कुछ वीकनेसेस हैं जो मैंने आपको शो करी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि बोलेंगे कैसे। एग्जाम्पल नंबर वन, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प एंड आई एम अ शाय पर्सन। ये मैंने अपनी दो वीकनेसेस बता दी कि मैं किसी को हेल्प के लिए मना नहीं कर सकता और एक मैं शर्मीला इंसान हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू, आई एम इमोशनल पर्सन एंड समटाइम्स आई टेक द थिंग्स सीरियसली, मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूं और मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूं। तो देख लीजिएगा, बस बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जॉब पर इनका कहीं से भी आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक अपनी सबसे पहली वीकनेस का एग्जाम्पल दिया था अभी, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ वीकनेसेस, कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस करी, कुछ बातें मैंने आपको बताई वीकनेसेस के बारे में। हो सकता है आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप चाहें तो अपने जो कॉमेंट्स हैं वो मैसेज बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं डेफिनेटली टाइम मिलते ही उनका रिप्लाई करूंगा। और जाने से पहले दोस्तों फिर से मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अभी तक आप मुझे प्यार देते आ रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और लाइक करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अपनी आगे कुछ नई नई वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूं। सो दोस्तों इट वॉज ऑल अबाउट द टुडेज कंसेप्ट, डेफिनेटली अगेन आई विल कम विद माई न्यू वीडियो। सो टिल देन फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।